आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो एक समय पर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता था, लेकिन अब इसे पृथ्वी की बुरी बहन और एक चेतावनी ग्रह के रूप में जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, यानी वीनस की। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी जैसी ही कोई और दुनिया हो सकती है? शुक्र ग्रह कभी ऐसा ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे नरक ग्रह में बदल दिया। क्या हुआ और इससे हमें क्या सबक मिलता है? आइए शुक्र ग्रह की कहानी को समझते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और यह पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसे पृथ्वी से मिलती जुलती बनाती हैं। पहला, शुक्र का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग समान है। दूसरा, इसे कभी पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता था, लेकिन यही समानताएं खत्म हो जाती हैं। शुक्र पर सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है। अब सवाल यह है कि शुक्र पृथ्वी की बुरी बहन क्यों कहलाता है? शुक्र ग्रह का वातावरण बेहद घना और जहरीला है। इसकी कुछ खास बातें हैं। इसका ग्रीनहाउस प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे ग्रह को जलते हुए नरक में बदल देता है। इसकी हवा में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जीवन के लिए घातक है। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जो कभी बारिश के रूप में गिरते हैं। क्या यह पृथ्वी के लिए एक चेतावनी हो सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र कभी पृथ्वी जैसा ही था। वहां पर शायद पानी की झीलें और महासागर थे, लेकिन समय के साथ इसका ग्रीनहाउस प्रभाव बेकाबू हो गया। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है। अगर हम अपने ग्रह का ख्याल नहीं रखेंगे तो पृथ्वी भी शुक्र की तरह बन सकती है। होस्ट, यह हमें चेतावनी देता है कि जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। शुक्र के रहस्यों को समझने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं, जैसे नासा का पायोनियर वीनस, सोवियत संघ का वेनेरा प्रोग्राम, हाल ही में नासा का डेविनसी प्लस और ईएसए का एनविजन मिशन। इन मिशनों का उद्देश्य है शुक्र के वातावरण और भूगर्भीय इतिहास को समझना। क्या शुक्र के अतीत को समझकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं? यह देखना बाकी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी का पता लगाया है। यह एक संकेत हो सकता है कि वहां सूक्ष्म जीवों का जीवन हो सकता है, लेकिन शुक्र की सतह पर जीवन के लिए कोई संभावना नहीं है। वहां की स्थितियां जीवन के लिए बेहद कठिन है। शुक्र की कहानी हमें सिखाती है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संरक्षण कितना जरूरी है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो हमारी पृथ्वी भी शुक्र जैसी हो सकती है। तो चलिए शुक्र की इस चेतावनी को गंभीरता से लें और अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्र के बारे में जानने का सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारे अगले वीडियो में हम आपको सौर मंडल के और भी रहस्यों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।